डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के NCERT मैथ के एक्सरसाइज नंबर 5.2 में क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की, ठीक है, में उसका वेतन 7000 रुपये हो गया, ठीक है जी। तो देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे कि सुब्बा राव का मासिक वेतन क्या है जी, मासिक वेतन बराबर क्या है जी, 5000 रुपए, ठीक है जी। और उनके वेतन में वृद्धि क्या हो रही है, प्रत्येक वर्ष वेतन में वृद्धि बराबर क्या है जी, 200 रुपए, ठीक है जी। देखिए अतः जरा समझिएगा, सुब्बा राव 1995 में काम करना शुरू करते हैं, तो ये काम शुरू करेंगे 1995 में, तो 1996 में जाएंगे तो क्या होगा, 200 रुपये की वृद्धि। ऐसे ये काम करते हैं क्या 1997, 1998 इस तरह से, ठीक है। इन वर्षों में लिखेंगे, इन वर्षों में सुब्बा राव का वेतन, ठीक है जी, तो इन वर्षों में उसका वेतन क्या हो जाएगा जी। तो सपोज कि 1995 में वो काम शुरू करता है तो उसका पहला वेतन क्या रहता है जी, 5000, ठीक है जी। अगले वेतन के लिए अगले साल 1996 में उसका वेतन क्या हो जाता है जी, 200 रुपये बढ़ जाता है, यानी 5200 हो जाता है, ठीक है जी। 1997 में इसका वेतन जो है क्या हो जाता है जी, 5400 हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह से जो है इसका वेतन एक समय 7000 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो बताइए कि किस वर्ष में जो है इसका वेतन 7000 रुपया होगा, इसको हमें पता करना है, ठीक है जी। तो देखिएगा, चूंकि यहाँ से हमें ए पता हो गया क्या, 5000, ठीक है जी, यानी प्रथम पद पता हो गया क्या, 5000। डी हमें पता है सार्व अंतर 200, ठीक है जी। और देखिए यह अंतिम पद यानी कितना है जी, 7000। अंतिमो पद क्या है, अंतिम पद को एल से लिखते हैं, अंतिमो पद है हमारा 7000, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है कि ये 7000 किस वर्ष में होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है जी। तो यदि हम एल अंतिम पद का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिखेंगे, इसलिए एपी का अंतिमवा पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है जी। इस फॉर्मूले पे रख दीजिए, तो एल है हमारा 7000 बराबर ए है हमारा 5000, ठीक है, प्लस एन नहीं पता है माइनस वन इंटू डी है हमारा 200, ठीक है जी। तो 7000 माइनस 5000 बराबर 200 एन माइनस 200, ठीक है जी। या 7000 में से 5000 गया तो क्या हो जाएगा जी, 2000 प्लस 200 बराबर 200 एन, ठीक है जी। तो ये हो जाता है हमारा 2200 प्लस 200 सॉरी 2200 बराबर 200 एन, ठीक है जी। इसलिए एन बराबर 2200 बटे 200, ठीक है जी।
तो ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो से ग्यारह मरतबे में 22 कट जाएगा, यानी बराबर 11। एन बराबर क्या हुआ जी, 11। अर्थात लिखेंगे क्या, अतः एन बराबर कितना है जी, 11। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि 7000 सुबा राव का वेतन जो है 7011वें साल में जाकर जो है 11वें साल में जाकर जो है 7000 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अतः सुबा राव का वेतन 11वें वर्ष में 7000 रुपये होगा। ठीक है जी, इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।